जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फीकस सिर्फ 5,000 रूपए, नकदिया आसान अक्सात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246888। कर्नाटक में आज भी हिजाब के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। इस बार जाफरानी शाल पहने हिंदू तालिबात कॉलेज पहुंची मुस्लिम लड़की के हिजाब के खिलाफ एहतजाज करते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीजेपी की क्यादत वाली हुकूमत को नौजवान तालिबे इल्मों में फिरकेवाराना माहौल पैदा करके अब बहुत से स्कूलों में ये सब देख कर बहुत अफसोस हुआ। कर्नाटक के कॉलेज मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस इकदाम पर सवाल उठाते हुए साबिक सीएम और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां शुरू से ही सर पर स्कार्फ पहनती आ रही है, ये इनका बुनियादी हक है। क्या वो तुलबा पहले जाफरानी शॉल पहने हुए थे? जब भी कॉलेजों और स्कूलों में आते थे ये सियासी तौर पर गलत है, इसलिए हुकूमत को मौकूफ इख्तियार करना चाहिए। लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, इन्हें तालीम हासिल करने से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से नाकायदीन ने यह भी कहा है के तुलबा को हिजाब पहनने का हक हासिल है क्योंकि हिंदुस्तान का आईन मजहब आजादी के हक की जमानत देता है। लड़कियों के हिजाब की हिमायत करने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर बढ़ते हुए तनाजे के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि कौम लड़कियों के मुस्तकबिल को इनकी तालीम के रास्ते में आने देकर इनके मुस्तकबिल पर डाका डाल रही है। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए 18 तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें।